कैमूर नगर के समस्त व्यापारी सहित क्षेत्रवासी हुए भयभीत। वहीं किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देते नजर आए गोल्डी, भारत गैस एजेंसी के कर्मचारी। जी हां, आपको बता दें, विगत समय से निरंतर नाबालिग चालकों से वह भी बिना नंबर प्लेट के चलवाए जा रहे हैं गैस सिलेंडर से भरे वाहन, साथ ही मेन मार्केट के बीचों बीच कहीं भी खड़े कर दिए जाते हैं वाहन। नाबालिग चालकों द्वारा उतरकर घंटों होटलों में बैठकर नाश्ता किया जाता है। जबकि वर्तमान में कोविड-19 का समय चल रहा है, प्रशासन बारंबार सचेत कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाकर रहें। लेकिन उसके बावजूद भी खलवारा बाजार स्थित होटलों में 6 से 7 लोगों की उपस्थिति में बिना मास्क लगाए बैठाकर नाश्ता कराते हैं और प्रशासन के सारे नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सूत्रों की माने तो सिलेंडर से भरी गाड़ी मेन मार्केट में खड़ी करना बहुत बड़ी घटना को सुनिश्चित करते नजर आ रहे हैं। वहीं गोल्डी गैस एजेंसी के संचालक ने कम तनख्वाह में नाबालिगों को इतनी बड़ी अनुमति दी। जब हमारी टीम के द्वारा इन नाबालिग चालकों से बातचीत की गई, तो उन्होंने इस बात को बहुत ही सरलता से बताया कि हाँ, हम नाबालिग हैं और हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। उनमें से एक सहपाठी चालक ने अपना नाम लल्लू बताया और झूठ का पर्दा डालते हुए कहा कि मेरे पास लाइसेंस है। ऐसा करके भ्रमित करने का प्रयास किया गया। तभी तत्काल ही गैस एजेंसी के कर्मचारी का फोन पीबीसी न्यूज के संवाददाता के पास आता है एवं बहुत ही कड़े शब्दों में गर्म जोशी के साथ वह संवाददाता को धमकाने का प्रयास करता है। वहीं गोल्डी गैस एजेंसी कर्मचारी के द्वारा अभद्रता पूर्वक बातचीत यह प्रमाणित करती है कि जिस राजा के राज की प्रजा इतनी गर्म जोशी के साथ साथ धमका सकती है, उस राज का राजा कैसा होगा, जिससे कि यह अपनी मनमानी करते हुए समस्त क्षेत्रवासियों की जान जोखिम में डालकर अपने व्यापार को संचालित कर रहे हैं। इन नाबालिग चालकों की जानकारी पूर्व में भी स्थानीय प्रशासन के संज्ञान में है, किंतु आज दिनांक तक कोई भी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गई है। यदि यही स्थिति निर्मित रही तो क्षेत्रवासी उस पुरानी कहावत को ही याद करेंगे कि आगे दिन पीछे गए, गुरु को किया रहेत, अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। संबंधित अधिकारी को चाहिए कि ऐसे नाबालिग चालकों के ऊपर एवं इनके संचालकों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। स्थानीय प्रशासन को मुनादी के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों की यह जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए कि किसी भी नाबालिग के द्वारा वाहन चलाए जाने की स्थिति में उनके अभिभावकों को आर्थिक रूप से दंडित करने के अलावा वैधानिक कार्यवाही भी करेंगी, ताकि घटना घटित होने का इंतजार आम जनमानस न करें एवं बाद में उस घटना पर अंकुश रखने का काम प्रशासन न करें। क्यों न ऐसी ही स्थिति निर्मित की जाए कि घटना घटित होने के पहले ही उस पर अंकुश लगाया जाए। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।